नमस्कार, स्वागत है आपका पार समाचार, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं पौड़ी से आ रही बड़ी खबर के साथ। बंगाली गांव के आमसेरा में बादल फटा है, नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आया है, करीब डेढ़ घंटे तक राजमार्ग बाधित रहा है, गौशाला को भी बादल फटने से नुकसान पहुंचा है, राहत बचाव कार्य में जुट गया है जिला प्रशासन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां से बेगवानी से आ रही है, गांव के आमसेरा में बादल फटा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पौड़ी की ये तस्वीरें हैं, बेगवाड़ी गांव जहां पर बादल फटा है, नेशनल हाईवे पर इसका भारी मलबा आ गया है, जिसकी वजह से आवाजाही है वो पूर्ण रूप से बंद यहाँ पर हो गई है। और ये देख सकते हैं आप, JCB के जरिए इस मलबे को हटाने की कोशिश भी की जा रही है, जिला प्रशासन तमाम कामों में जुटा हुआ है। डेढ़ घंटे तक ये बताया जा रहा है कि जो राजमार्ग था जिस पर आवाजाही लगभग हर वक्त जारी रहती है, उसके ऊपर डेढ़ घंटे तक आवाजाही बाधित रही, यानी कि बंद उसको करना पड़ा, चूँकि मलबा जो था वो सड़कों पर आ गया था। साथ ही आपको बता दें कि जो गांव में के आसपास जिस इलाके में बादल फटा है, वहां पर जो गौशालाएँ थीं वहाँ पर खासा नुकसान हुआ है। तो पौड़ी में बंगवाणी गांव के आमसेरा पर रविवार सुबह बादल फटने से पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग बंद हो गया, इसके अलावा तीन गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बंगवाणी गांव को जाने वाले जो रास्ता है वहां पर सड़क पूर्ण रूप से टूट गई है, क्षतिग्रस्त हुई है। ग्राम प्रधान मधु खुगशाल ने यह बताया है कि घटना रात्रि करीब 3:30 बजे की है, बादल फटने से खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि गांव के संपर्क मार्ग बुरी तरह से मलबे के अंदर धंस गए हैं, राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। SDM सदर श्याम सिंह राणा ने बताया है कि मलबे से 3 मवेशियों को निकाला गया है। उन्होंने बताया कि एक स्कूटी मलबे में दबी है, जबकि एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि जिस स्थान पर बादल फटा वहाँ बंगवाड़ी गाँव से कुछ हटकर है, यानी कि वो आबादी वाला इलाका नहीं है, लिहाजा किसी जानी नुकसान की खबर से हम तमाम लोग बच गए। यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से इस मौसम में कंटिन्यू बरसात हो रही है, तो बादल फटने की एक घटना यहाँ पे हमारे बंगोड़ी गांव के बगल के गदेरे में हुई है, जो 3:30 बजे के लगभग हुई है, जिससे कि यहाँ पे पूर्व प्रधान जो अनुज ममगाई जी का घर था और एक भरतलाल जी का घर है, वो अभी सुरक्षित है, और उनकी गौशाला थी उससे हमने 3 गायें भी सकुशल निकाल ली हैं ग्रामीणों ने। मुझे फ़ोन के माध्यम से पता चला कि एक आवाज़ टाइप की गांव में आई है, तो मैं उसी समय से मैंने आपदा कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट का जो आपदा कंट्रोल रूम बना हुआ है, मैंने वहां सूचना दे दी थी, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। थाने से इंस्पेक्टर साहब भी यहां पे 4:30 बजे से यहां पे खड़े हैं, और जब मशीनें आई तभी वो यहां से गए। SDM साहब यहां मौके पे मौजूद हो गए थे। शासन प्रशासन का मैं ग्राम सभा प्रधान के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रीनगर रोड पे बंगवाड़ी गांव है, वहाँ पे लगभग 4:45 बजे बादल फटने की घटना हुई, तो मैं मौके पे गया था, और हमारी राजस्व और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम वहाँ मौके पे गई है। वहाँ पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, केवल 2-3 गाय फंसी हुई थी, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है पुलिस और राजस्व की टीम और ग्रामीणों की मदद से, और कुछ लोगों के 1-2 गाड़ियों नुकसान होने की संभावना या और इनको बताया जा रहा है, सूचना बताया जा रहा है। और पौड़ी से संवाददाता आलोक रावत हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। आलोक, किस वक्त ये बादल फटा है? आलोक से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बादल फटा, और बादल फटने के बाद फौरन जो जिला प्रशासन है वो हरकत में आया है, उसके बाद से जो सड़क पर जो नेशनल हाईवे पर मलबा आकर गिरा था उसको हटाने का काम किया जा रहा था, ताकि आवाजाही को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। नेशनल हाईवे है ये, जहाँ पर आवाजाही लगभग हर वक्त जारी रहती है, और ऐसे में अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। हालाँकि ये बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक इस हाईवे पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद गई थी, लिहाजा इसको हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, और आप मौके पर आला अधिकारी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये JCB की वो तस्वीरें जो मलबा हटाने का काम कर रही है। गनीमत ये रही है कि जिस इलाके में ये बादल फटा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, और यही वजह रही कि यहाँ पर मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ा नहीं है, और ये एक राहत की बात रही है। हालांकि नुकसान पहुंचा है, 3 गौशालाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, साथ ही साथ एक बाइक और एक कार को भी नुकसान पहुंचा है, वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन किसी जानी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। गौशालाओं को नुकसान पहुँचा है सिर्फ। तो पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग भी बाधित यहाँ पर हुआ।